अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर मेरा नाम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। सामने एक छोटा बच्चा बुसीदा सा लिबास पहने बैठा हुआ था। शाह मुस्कुरा मुस्कुरा के उससे बातें कर रहा था। ये शाह की ज़ात का अनोखा और अजीब रुख था। उसने दूर से ही दिलचस्पी से उसे देखा था। जो दुनिया जहाँ से बेखबर एक कोने में उस बुसीदा से लिबास वाले बच्चे के शाने पे हाथ टिकाए मुस्कुरा के उसे कुछ कह रहा था। वो बार बार खिलखिला के हंस रहा था। अब तल उठ खड़ी हुई थी, फिर आंखों की पुतलियाँ सुकेर के उसे देखा था, जो अब कुछ शापर उस बच्चे की तरह बढ़ा रहा था। ये तो वो मगरूर सा मीर शाह नहीं था। अब्तल ने हाथ सीने पे लपेट कर पिलर के साथ टिका दिया और फुर्सत से उसे देखने लगी। उसने एक और हैरान कुन मंजर देखा था। ये सब बहुत हैरान कुन था। उसने चौंक के सर पिलर से हटा के उसे देखा था। शाह ने बच्चे के पाँव पे लगी गर्द टिश्यू से साफ की थी, फिर उसने जूते पहनाए थे। वो छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसके सफेद चेहरे पे जगह जगह कालिक के निशान थे, उसने मुस्कुरा के शाह को देखा था और अब्तल ने हैरत से उसे देखा था। वो शख्स क्या था, वो समझने लगी थी। वो बच्चा पुराना सा थैला उठाए उठ खड़ा हुआ था। शाह ने वॉलेट से कुछ नोट निकाल के उसकी तरफ बढ़ाए थे, जो बच्चे ने खुश दिली से थाम लिए थे। और अब्तल को याद आया था, आज सुबह जब वो कमरे में वापस आया था तो शाह के हाथ में जूते थे। तब अब्तल के पूछने पे उसने कहा था अपने किसी दोस्त को तोहफा देना है, तो ये था उसका वो दोस्त। उसकी आंखों में नमी झिलमिलाने लगी थी। बच्चे ने दूर जाके हाथ हिलाए थे। शाह ने भी मुस्कुरा के हाथ हिला के उसे रुखसत किया था, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। अब्तल के हाथ में कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। उसने शाह को डिस्कवर कर लिया था। शाह की गाड़ी नजरों से ओझल हो चुकी थी। ये एक मसरूफ सड़क थी जहाँ पे आज मामूल से हट के चहल पहल थी। गाड़ियों की हारन शोर में इजाफा कर रहे थे। वो लैंड क्रूजर पार्किंग एरिया में पार्क करता, चाबी हाथ में पकड़े गाड़ी से उतरा था। काले रंग का अपर जिसकी हेड सर पे गिराई हुई थी, नीचे ब्लैक जीन्स जॉगर्स पहने वो चाबी उंगली में घुमाता उस आलीशान इमारत के सामने आके खड़ा हो गया, जहाँ बड़ा सा रॉयल सन का बोर्ड अवेजा था। वो ऐसा ऐसा चलता सीढ़ियाँ उतरता नीचे की तरफ जाने लगा, जहाँ पहले राहदारी थी। फिर आगे कुछ कुछ फासले पे कुर्सियाँ और टेबल रखी हुई थी, जिसमें बास लोग ग्रुप्स की सूरत में और बास कपल बैठे खाने पीने और खुश कपियों में मसरूफ थे। एक तरफ एक मुस्कुराती हुई लड़की रिसेप्शन सीट पे बैठी थी। उसने दूर खड़े होकर ही उसे पहचान लिया था, जो हाफ सेल्फ नाइट स्ट्राइट जेब टन किए, बालों की ऊंची पौनी किए बेजारी से बैठी थी। शाह चलता हुआ उसके करीब गया, फिर कुर्सी खींच के उसके करीब बैठ गया। उसने नज़र उठा के संजीदा से बैठे शाह को देखा था, फिर मुस्कुराई। शाह अलबत्ता दोनों हाथों को बाहम जोड़ के कोहनी टिका के यहाँ वहाँ देख रहा था। आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली, उसने मुस्कुरा के जैसे अपनी फतह की खुशी मनाई। तुम्हारी बात सुन के नहीं आया, तुम्हारी बकवास सुन के आया हूँ, जो तुम दो दिन से फोन पे किया जा रही हो, और तुम्हें वार्न करने आया हूँ। उसने उंगली उठा के चेहरे पे सख्ती के तासुरात सजाए, दांत पीस के उसे वार्न करने की कोशिश की। उसने जोर का कहका लगाया। शाह ने लम भेज के सामने बैठी उस बेशरम लड़की को देखा था। नहीं नहीं शाह, ऐसे तुम अच्छे नहीं लगते। उसने अपनी शहादत की उंगली उसकी उंगली में फंसा की, उंगली एक तरफ की। शाह ने सख्ती से अपनी उंगली उसकी ग्रिफ से आजाद की, फिर रुक मोड़ के दूसरी तरफ देखने लगा था, जहाँ सब लोग खाने पीने में मसरूफ थे। तो मेरी बीवी को कुछ भी कहोगी, यहाँ तक के सबूत के साथ भी, वो तुम्हारी बात का हरगिज यकीन नहीं करेगी। वो करीब होकर दबी दबी आवाज में घुराया था और रेली वो उसके करीब होके झुकी थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। हाँ तुम भी जानती हो मेरा तुम्हारा कभी कोई गलत ताल्लुक नहीं रहा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, और आज तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वो ठंडी आ भर के पीछे हटा था। अच्छा वो तुम्हारी बीवी है, मैं क्या हूँ। वो ढीली पड़ चुकी थी, तुम गले बड़ी बला हो। वो सीधा होके बैठा था, फिर दबे दबे गुस्से से बोला था, और वो दो टके की लड़की है, वो चिढ़ गई थी, दांत पीस के बोली थी, तुम एक बाजारी औरत हो, वो मेरी बीवी है। उसने दोनों हाथ जोर से टेबल पे रखे थे, आवाज पैदा हुई थी, फिर सारे लोग उस तरफ मुतवज्जा हुए थे। शायद तुम उस लड़की के लिए मुझे बेइज्जत कर रहे हो, जिसकी नजर में तुम्हारी जरा सी भी अहमियत नहीं है। उसने तासुब से सर झटका था। ओ तो तुम ये कैसे कह सकती हो, उसने आंखें सुकेड़ के उसे देखा था। अभी दो दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी, तब उसने मुझे कहा था कि शायद ऐसा बदकिरदार शख्स मेरा शोहर है, उससे बढ़ के मेरे लिए तकलीफ की क्या बात है। वो अपने जहन में ताने बाने तरतीब दे रही थी। शाह ने माथे पे बल डाल के उसे देखा था। उससे बढ़ के दुख क्या है कि वो शख्स मेरा शोहर है, जिसको नमाज तक नहीं आती।
हर वक्त जिसके मुंह से सिगरेट की शराब की बदबू आती है, उसने चेहरे पे मासूमियत सजा के कहा था और शाह ने बेयकीनी से उसे देखा था। और फिर उसने ये कहा, एक माजूर शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। उसने उसकी धड़कती रक्त पे वार रख कर दिया था। उसने कर्ब से नजरें उठा के उसे देखा था। वो मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकती, वो भी यकीन था। सामने बैठी लड़की का चेहरा तन गया था। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम अपनी बीवी से पूछ लेना, क्या दो दिन पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई थी? उसने बेतबारी से अपने हाथों के नाखूनों को देखते हुए कहा। शाह ने लब भींच के उसे देखा था। वेटर दो कप कॉफी लेके आया था। उस लड़की ने एक मग उठा के शाह के करीब किया। शाह ने लाल आंखों से पहले मुस्कुराती हुई लड़की को देखा, फिर कॉफी के मग को, झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो अपनी चाल चल चुकी थी। इत्मीनान से कब लबों के साथ लगा लिया, अब तभी भी कहा था ना तुम्हें ये तुम बहुत महंगा पड़ेगा, तलाक की मिठाई खाने आऊंगी तुम्हारे घर। उसने दिल ही दिल में खुद को दाद दी। धर्म की आवाज से दरवाजा खुला था। अब्दुल ने गर्दन मोड़ के उसे देखा था। वो बिखरे बालों वाला लड़का लाल आंखों से उसे घूर रहा था। उसने खिड़की के करीब खड़े खड़े ही सवालिया नजरों से उसे देखा था। वो चलते चलते उसके करीब आया था। क्या दो दिन पहले मेरे किसी जानने वाली लड़की से मिली थी? उसने सख्ती से कहा था। उसने जहन पर जोर देके सोचा था, फिर कुछ याद आने पे फौरन से बोली थी, हाँ मगर क्या हुआ? उसने नासमझी से उसे देखा, इससे पहले कि वो कुछ समझती, शाह ने उसे कमर से थाम के अपने करीब किया। उसकी गरीब उसकी कमर पे मजबूत थी। उसने घेरा तंग कर लिया था और इस सब के लिए तैयार नहीं थी, बस उसे देख के रह गई। तुम्हें अफसोस है कि तुम्हें एक बदकिरदार शख्स से शादी की? वो आराम से उसकी आंखों में झांकते हुए कह रहा था। उसकी धड़कनें बेतरतीब थी। उसने नफी में गर्दन हिलाई। आप अगर ये सब है भी तो मैं क्यों आपकी बुराई किसी से करूंगी? वो परेशान हो गई थी। शाह को ये सब यकीनन उसी लड़की ने कहा था। उसे इस पे जी भर के गुस्सा आया था। तुम्हें मुझसे कुछ शिकवा था या शिकायत थी तो मुझसे कहती, पर यूं ना करती। अब्दुल वो टूट चुका था, धीमा हो चुका था, गिरफ्त भी ढीली हुई थी, लेकिन उसे छोड़ा नहीं था। लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उस 2% की लड़की ने मुझे माजूरी का ताना दिया। उसने उसे परे धकेला। वो दीवार के साथ जा लगी थी। वो बेयकीनी से उसका बदलता हुआ चेहरा देख रही थी। फिर उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा था। तुम शुरू से जानती हो मैं एक टांग से ठीक से नहीं चल पाता, उसके बावजूद तुमने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? उसने उसका हाथ मरोड़ डाला था। उसके मुंह से दबी दबी चीख निकली। शाह ने एकदम से उसका हाथ छोड़ा जो लाल हो चुका था। उसकी आंखें नम थी। शाह के दिल को कुछ हुआ था। मैं बेकसूर हूँ शाह, मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने सर झुका के मध्यम आवाज में कहा। शाह का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैं ऐसा बोलना तो दूर, सोच भी नहीं सकती, उसने एक दफा फिर सफाई दी थी। शाह ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था जो अब लाल हो चुका था। उसने नरमी से हाथ अपने सीने में छुपा लिया था। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।